एक बार फिर से बॉयस, ऑल टू डू इट इन द सेकंड लेग अगेंस्ट नेपोली, अगेंस्ट गैलेटासरे और आज अगेंस्ट फ्रैंकफर्ट। लेकिन अगर तीनों मैच की परफॉर्मेंस देखो ना, तो आज हमारी सबसे खराब परफॉर्मेंस थी एंड आज यू आर ट्रूली लकी टू गेट अवे द ड्रॉ। बार्सिलोना वर वेरी लकी कि पहले 5-6-7 मिनट में दे वांट कंसीडिंग एटलीस्ट 2 गोल्स आराम से खा सकती थी। एक तो भाई काफी ओपन एज चांस है जो सो ने मिस किया था, ही शुड हैव आइडली स्कोर्ड दैट चांस। उसके अलावा 2-3 ऐसे क्रॉस थे जो मतलब अगर वहां पे मैन होता, मीट कर देता, तो इट वॉज अ श्योर शॉट गोल। तो बार्सिलोना लकी कि 6-7 मिनट में दे वर एबल टू राइड आउट दैट यू नो क्विक स्पेल ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। उसके बाद ऑब्वियसली द वे फ्रैंकफर्ट वर प्लेइंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप सस्टेन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मैच आप कह सकते हो लेवल आउट हुआ था। बट डिस्पाइट लेवलिंग आउट बार्सिलोना बहुत रश्ड लग रही थी, मुझे लग रहा था मतलब पोजेशन में देखो ना दे वर वेरी रश्ड, कि चाहे फ्रॉम द बैक देख लो तो अराहो वॉज बींग बहुत हेस्टिली एक्ट कर रहा था, बहुत जल्दबाजी सी थी, गार्सिया के साथ भी बहुत जल्दबाजी थी, बुस्केट वॉज ऑल्सो यू नो लुकिंग वेरी वेरी शॉर्ट ऑफ पासिंग ऑप्शन एंड इन टर्म्स ऑफ जो उसकी बेसिक कंपोजर लाता है वो गेम पे, आप जो कह सकते हो हॉलमार्क है बुस्केट्स के गेम का, वो बिल्कुल एबसेंट लग रहा था। तो इन जनरल आपके जब डिफेंस थ्रू योर मिड ऑब्वियसली हाउ यू प्रोग्रेस द बॉल इज फ्रॉम योर डिफेंस टू मिड टू योर अटैक एंड व्हेन योर प्रोग्रेशन इज सो कंफ्यूज्ड सो यू नो सो रश्ड, तो आपके अटैकर्स क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए इन द फर्स्ट हाफ फेरान टोरेस वॉज नॉट एबल टू डू मच, इवन इफ यू सी ओबामेयांग मोर लेस एबसेंट था इस गेम से, अडामा ट्रायोरे की भी परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा आप कह सकते हो यूनिडाइमेंशनल होना कभी कभार फायदा होता है, बट यार दैट कैन नॉट बी द सोल एस्पेक्ट ऑफ योर गेम। एंड दिक्कत क्या होती है यूनिडाइमेंशनल गेम के साथ कि यू गेट फाउंड आउट वेरी क्विकली, दैट्स व्हाट हैपेंड विद फ्रैंकफर्ट एज वेल। उसको आराम से होल्ड ऑफ कर पा रहे थे एक पॉइंट के बाद, ही वाज नॉट एबल टू ट्रबल कॉस्टेज, जबकि कॉस्टेज इतना डिफेंसिव शिफ्ट में था नहीं, बट फिर भी ही वाज नॉट प्रोवाइडिंग मच फ्रॉम द राइट हैंड फ्लैंक। तो आप देखो बार्सा को बहुत डिसजॉइंटेड गेम था, इट वाज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट लेग अगेंस्ट गैलेटासराय एज वेल, कि बार्सिलोना लुक बहुत बहुत ऐसे लग रही थी कि आप कह सकते हो ना कि बहुत टायर्ड सी, बहुत डेज्ड सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि खेले नहीं है बहुत टाइम से फुटबॉल, जबकि अभी लेटेस्ट मैच हमने देखा था बार्सिलोना का, उसमें कितनी फ्लूइड थी बार्सिलोना, तो पता नहीं ये तो क्या नॉकआउट फुटबॉल का नतीजा है या क्या नतीजा है, बट बार्सिलोना लुक वेरी ओवर द प्लेस एंड दे वर लकी कि फ्रैंकफर्ट ने 2-3 गोल और नहीं मारे, नहीं तो टाई का पूरा कम्प्लेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, और एक रीजन है ना मेरे पास, मुझे लगता है क्यों बुस्केट्स का इन्फ्लुएंशियल नहीं था, बुस्केट्स को ये लोग डबल प्रेस कर रहे थे, डबल प्रेस बेसिकली दे वर प्रेसिंग विद हिम विद टू मेन, अब अ लॉट ऑफ टीम ट्राइंग टू डू इट, उसमें नया नहीं बुस्केट्स, हर कोई बुस्केट्स को प्रेस करना चाहता है, लेकिन आज दिक्कत क्या थी ना कि जब बुस्केट्स को लोग हम प्रेस करते हैं तो वी हैव अ सर्टेन डैनी एल्विस ऑन द राइट हैंड साइड या फिर डेस्ट, सो मैं डैनी एल्विस लेता हूं द बेटर एग्जांपल, वो अंदर आ जाता है, ही कम्स इन द मिडफील्ड एंड फॉर्म्स अ डबल पिवट, ठीक है, वो डबल पिवट बनाता है बुस्केट्स का, तो अगर आप बुस्केट्स प्रेस कर रहे हो वी हैव अनदर पिवट टू बिल्ड अ सिस्टम, लेकिन आज वो था नहीं क्योंकि अराहो कैन नॉट डू दैट एंड जॉर्डी एल्बा भी वो नहीं कर सकता, जॉर्डी एल्बा बीच में आके मिडफील्डर नहीं खेल सकता, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, हम वहां पे बहुत इजिली फाउंड आउट हो जा रहे थे। एक चीज और फ्रैंकफर्ट जो कर रही थी, देवर कह सकते हमें स्पेसेस में जाने दे रही थी, ऐसे स्पेसेस में जाने दे रही जहां पे हम एरर करेंगे, और फिर जब उन स्पेसेस में आ रहे थे ना देवर प्रेसिंग अस वेरी फास्ट एंड विद नंबर्स एंड वेरी हाई, भाई बहुत तेज प्रेस कर रहे थे हमें फर्स्ट हाफ में, तो मतलब वन ऑफ दी वर्स्ट फर्स्ट हाफ आई हैव सीन फ्रॉम जेविस बार्सिलोना इन द पास्ट 3-4 मंथ्स, लेकिन ये वाली बात है ऐसे मैचेस भी आएंगे, और इसमें बेहतर बात यह है कि भाई वी सेल्ड थ्रू विद अ 1-1। अगर आप प्लेयर बाय प्लेयर में चलो फिर अभी सेकंड हाफ में आएंगे, प्लेयर वाइज टेर स्टेगन हैड अ मेरे ख्याल से डिसेंट गेम, उसने कुछ इंपॉर्टेंट सेव किया, गोल पे वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि भाई इट वॉज एन एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास गोल, आई जाते सेकंड हाफ में क्योंकि मैं गोल पे आ गया हूँ, इट वॉज एन एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास गोल भाई, एक पाइट ने मारा था जबरदस्त, लेकिन नॉफ का भी भाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी उस पर क्लोज डाउन कर सकते थे हम लोग, लेकिन यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द गोल, भाई गजब की फिनिश थी, और वॉली पे भाई जो गोल पड़ते हैं कॉर्नर से तो देखने में मजा आता है, मैं मतलब ऑब्वियसली मैं बार्सा फैन, लेकिन वो गोल देखने में किसी को भी मजा आएगा। उसके बाद अगर चेंजेस की बात करें अचिन, मेरे ख्याल से चेंज जो सब्स्टिट्यूट किए हमें, हम फ्रेंकी डियोंग को लाए, हम डेम्बेले को लाए, और उन दोनों प्लेयर्स ने मेरे ख्याल से गेम को चेंज किया भाई, गेम को काफी चेंज किया, क्योंकि एक जो यूनिट डायमेंशन था हमारा राइट विंग से वो थोड़ा कम हुआ, फेरान टोरेस गोल के अलावा तो आज बिल्कुल नहीं दिखा, फेरान टोरेस की भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, गोल के अलावा बिल्कुल नहीं दिखा, लेकिन एट लास्ट व्हाट मैटर्स द 1-1 स्कोर लाइन एंड फ्रेंकी एंड डेम्बेले डेफिनेटली मेड अ चेंज भाई इन दिस मैच। सब्स्टिट्यूट्स की बात करो तो गैवी की जगह आया था फ्रेंकी डियोंग एंड इट वाज मच नीडेड, क्योंकि गैवी जिससे एक्सपेक्टेड था जो एक अब कह सकते हो ना कामनेस ऑन द बॉल जो उसकी रहती है यू नो ड्राइविंग फॉरवर्ड द बॉल, वो नहीं कर पा रहा था, दिख रहा था कि ही वाज आल्सो रशिंग, मतलब पूरी टीम कैरेक्टराइज थी बाय रशिंग द डिसीजंस अननेसेसरली, कोई भी होल्ड नहीं मतलब बॉल पे कंट्रोल नहीं प्रोवाइड कर पाता था, फ्रेंकी के आते ही थोड़ा सा वो उसका एस्टैब्लिश हुआ होल्ड, क्योंकि फ्रेंकी गोल में भी इतना इन्फ्लुएंशियल था, दैट ब्यूटीफुल ले ऑफ एंड दैट पास टू फेरान टोरेस, बट उसके अलावा भी फ्रेंकी वॉज एबल टू रिटेन द बॉल, बार्सा पे काफी मैनेज जो प्रेशर आ रहा था फ्रैंकफर्ट का वो सोक कर ले रहा था बाय यू नो रिटेनिंग द बॉल फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई थिंक सेकंड लेग में भी हम यही देखेंगे कि गैवी वोंट टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग गैवी इन द मिडफील्ड, हमें लगा था कि गैवी और फेरान की एक
बिकॉज दे कम्बाइन सो वेल कि उसकी सिनर्जी आएगी, उससे लेफ्ट हैंड साइड से बार्सिलोना विल प्ले वेरी वेल, बट दैट वॉज कम्प्लीटली नॉट द केस, क्योंकि बार्सिलोना अब ये होता है ना कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वो एक फ्लूडिटी थी नहीं, इवन जॉर्डी एल्बा को भी देखो, ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी इन्वॉल्व गोइंग फॉरवर्ड, एंड मतलब एक आप कह सकते हो सम अप कर रही थी उसकी परफॉर्मेंस, व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ इन द राइट पोजीशन ही स्लिप्ड, तो जस्ट गोज टू शो कि बार्सिलोना के कितना रस्टी गेम था. एंड इफ यू टॉक अबाउट एक बार फ्रैंकफर्ट की मैं बस बात करूँ, फ्रैंकफर्ट व्हाट दे डिड वेरी वेल वाज इन मेकिंग द पिच कॉम्पैक्ट, तो बार्सा जो इसे प्रेस करती है ना, तो बार्सा के काउंटर प्रेस करने में दे वेरी सक्सेसफुल थ्रू आउट द मैच, तो जब वो 10 मिनट पे भी आ गए थे, तो जैसे ही मतलब आप सोचो कि जैसे ही बार्सिलोना ट्राइंग टू प्ले थ्रू फ्रॉम द फ्लैंक, तो तुरंत फ्रैंकफर्ट वर प्रेसिंग इन नंबर्स, एंड इसका ऑब्वियस रिस्क ये होता है कि बार्सा इफ दे वर वेरी ऑफ इट और वो तुरंत स्विच कर देती अपनी फ्लैंक, तो फ्रैंकफर्ट की पूरी लेफ्ट फ्लैंक वेकेंट थी एंड बार्सा कुड हैव एक्सप्लॉइटेड दैट, बट इतनी आप कह सकते हो इफेक्टिवली डिप्लॉयड थी प्रेस आज फ्रैंकफर्ट की दैट बार्सा वॉजंट एबल टू गेट टाइम ऑन द बॉल, तो एक तरीके से जो बार्सा दूसरी टीम्स के साथ करती है दे गॉट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन इन सम कैपेसिटी आज, दैट्स व्हाई बार्सिलोना स्ट्रगल्ड सो मच. और कोस्टिच की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अटैकिंगली तो हमने गेम देखा, लेकिन उसका आप हीट मैप देखो, ही वाज ऑल ओवर द पिच, डिफेंसिवली तो कंट्रीब्यूशन नहीं थे उसके, वो बात सही है, लेकिन यार जिस हिसाब से उसने गेम अपनी लेफ्ट हैंड साइड खींचा होता ना, उसका आप एवरेज पोजीशन देखोगे तो भी भाई मतलब ही इज द सेकंड मोस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, उनका जो नाम बोलो जो डेनिश प्लेयर था उसके बाद वो था लेफ्ट हैंड साइड सेकंड मोस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, और यार उसके जो लो क्रॉसेस थे ना जबरदस्त थे, और अचिन ने पहले बात की हमने चांस मिस किए थे सेकंड लेग में, हमको देखना पड़ेगा कि डेस्ट के साथ उसको हम कैसे बेटर हैंडल करते हैं, क्योंकि अरोहो इन दैट पोजीशन वी हैड वो बस बेस्ट बंदा था जो वहां पे डाल सकते थे, लेकिन ही एक्सप्लॉइटेड अरोहो प्रीटी, और अरोहो को ब्लेम नहीं कर रहा हूं क्योंकि इट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन टू प्ले एज राइट बैक, एंड कोस्टिच हैज मोर पेस ऑन हिम. सेकंड हाफ में भाई वी स्विच टू अ बैक थ्री एज वेल फॉर अ ब्रीफ पीरियड, क्योंकि जब वो 10 मिनट 10 मिनट पे चले गए तो उसके बाद हमने बैक थ्री पे स्विच किया था, और 10 मिनट पे हमने कुछ ज्यादा कैपिटलाइज नहीं किया, एक तो हम पता नहीं आज कोई शॉर्ट कॉर्नर ले रहे थे वो उसका मुझे सेंस लगा, वेन यू हैव थ्री सेंटर बैक्स इन द बॉक्स, ऑल्दो एरिक गार्सिया की हेडिंग बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन फिर भी यू हैव टू पुट द बॉल इन, भाई यू हैव टू पुट द बॉल इन, ये शॉर्ट कॉर्नर लग दो तीन बार कोशिश की, एक बार भी नहीं चला, एक बार कॉर्नर वाला अंदर वी हैड अ हाफ चांस. गोइंग इनटू द सेकंड लेग भाई मुझे लगता है वी विल फाउंड आउट द सेम थिंग, हम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, आई थिंक वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेन लाइनअप विद डेम्बेले एंड फ्रेंकी, और अभी तक हम सेकंड लेग में मैच जीते हैं तो इस मैच में कॉन्फिडेंट है, देखते हैं उसमें कौन मिलता है, लियोन वेस्ट हैम मैच तो ड्रॉ हो गया बस, तो आपके क्या थॉट्स हैं आज के मैच पे, कौन था आपका बार्सिलोना के लिए वर्स्ट प्लेयर और कौन था बेस्ट प्लेयर? मेरे हिसाब से यार बेस्ट प्लेयर जिसने आज आई थिंक केम ऑफ द बेंच, आई थिंक आई विल गिव टू फ्रेंकी, हुई फर्स्ट टीम में कोई बंदा नहीं देखा मुझे इसको जिसको मैं बेस्ट प्लेयर बोलूँ आज के मैच में, सच बताऊँ तो किसी से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिली आज, बस दिस इज अ साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड कैच यू टुमारो.